जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने वाला चार सवाल लिया है और इन चारों ही सवालों को मैं आपको हल करके दिखाऊंगा। इन चारों सवालों को देखने के पश्चात आप एकदम आसान तरीके से हल करना सीख जाओगे और आप भी आसानी से x और y के मान निकाल पाओगे। जैसा कि हमने यहाँ पहला सवाल लिया है, पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर फाइव, यह है समीकरण एक, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर वन, यह है दूसरा समीकरण। अब देखना ये होता है विलोपन विधि में कि x वाला पद या y वाला पद बराबर है कि नहीं है। तो आपको दिख रहा है कि x वाला बराबर है और y वाला भी बराबर है, यानी कि दोनों ही बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो आप ये देखिए कि दोनों में से किसका चिन्ह डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब एक प्लस एक माइनस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि वाई वाला का जो चिन्ह है ना डिफरेंट है, एक ठो का प्लस एक ठो का माइनस है। तो आप यहाँ पर लिखोगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। जब जोड़ते हैं तो क्या होता है कि एक माइनस एक प्लस है। आपको पता है कि माइनस और प्लस घटाते हैं, जब वाई में वाई घटाएंगे तो जीरो बचेगा, यानी कि आप काट भी सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर एक एक्स और एक एक्स यानी कि टू एक्स हो जाएगी, बराबर पाँच एक छः हो जाएगी। तो x बराबर हो जाएगी छः, और ये वाला जो इधर गुणा में दो है इधर आएगी तो बट्टा में हो जाएगी, यानी दो तिया छः। तो x का मान हो गया तीन। अब जैसे ही आपको x का मान मिलता है तो आप लिखोगे कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक या दो किसी में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपको सिंपल लगे उसी में रखिएगा जिसमें आपको कम गुणा भाग करना पड़े। तो यहाँ पे समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर पाँच, और x का मान तीन है, तो जहाँ भी x है वहाँ रखेंगे तीन, प्लस वाई अपने स्थान पे, बराबर पाँच भी अपने स्थान पे। अगर आप y का मान निकालेंगे तो जाएगा y बराबर ये वाला पाँच, और ये वाला प्लस तीन है इधर आएगा तो माइनस तीन हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा पाँच में घटेगा तीन तो दो, यानी y का मान निकल गया दो और x का मान पहले ही निकल गया था तीन। अब दोस्तों कुछ लोग को शक रहेगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, चेक कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आपका जो पहला समीकरण था x प्लस वाई बराबर पाँच है, तो जो आपका x का मान आया यहाँ रखिए, जो y का मान आया यहाँ रखिए, दोनों को जोड़िए तीन दो पाँच, यानी इसके बराबर आ जाएगा तो समझिएगा कि आपका आंसर सही है, नहीं आएगा तो गलती है। अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा, 2x प्लस वाई बराबर दस, ये सवाल समीकरण एक है। 3x प्लस वाई बराबर तेरह, ये समीकरण दो है। मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि x वाला पद या y वाला पद में कोई भी पद बराबर है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि x वाला तो बराबर नहीं है क्योंकि ऊपर है 2x नीचे है 3x, लेकिन y वाला बराबर है क्योंकि ऊपर भी y है और नीचे भी y है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो दोनों चिन्ह है दोनों के दोनों सेम है, यानी कि दोनों प्लस हैं। जब भी दोनों चिन्ह सेम रहेंगे तो आपको लिखना है घटाने पर, क्योंकि घटाने पर चिन्ह को बदलना पड़ता है। एक ठो प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, कहने का मतलब जो 3x है प्लस में है तो इसको आप कर दीजिए माइनस में, ये वाला प्लस है तो करेंगे माइनस, ये वाला प्लस है तो करेंगे माइनस, यानी कि ये जो माइनस है केवल निचला के लिए लागू होगा, ऊपर में जो है वही रहेगा। अब देखिए ऊपर है प्लस नीचे हो गया माइनस, अब इससे कोई मतलब नहीं रह गया, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस तो कट जाएगा, अब ऊपर प्लस है नीचे माइनस तो घटेगा। जब 3x में 2x घटेगा तो बचेगा माइनस एक्स, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक ठो माइनस एक ठो प्लस होता है तो चिन्ह उसका बचता है जो माइनस होता है, यानी जो बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो माइनस वाला है तो इसीलिए माइनस बचेगा। अब यहाँ 10 में घटेगा, सॉरी अब यहाँ 13 में घटेगा 10 तो बचेगा 3, और चिन्ह बचेगा माइनस का ही, क्योंकि माइनस में जो 13 है बड़ा है 10 से। तो आपको पता है जो चिन्ह बड़ा होता है चिन्ह उसी लिखते हैं, ये हो गया माइनस। अब माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के एक्स का मान हो गया तीन। अब जैसे ही आपको एक्स या वाई में से किसी एक का मान पता हो जाता है तो आप लिखेंगे कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर आप लिख लीजिएगा 2x प्लस वाई बराबर 10।
अब टू अपने स्थान पे, टू एक्स है तो कहने का मतलब दो गुणा आपको एक्स लिखना पड़ता है। अब एक्स का मान तीन पता है तो आप लिखेंगे दो गुणे तीन प्लस में वाई बराबर दस, यानी कि दो तीन छः प्लस वाई बराबर दस, यानी वाई बराबर दस माइनस छः, तो वाई का मान चार निकल जाएगा। यानी कि आपको एक्स का मान तीन वाई का मान चार मिल गया। अब आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे। यहाँ देखिए कि आपका सवाल है टू एक्स प्लस वाई बराबर दस, तो x का मान तीन है तो रखिए तीन यहाँ पे, y का मान चार चार रखिए, देखिए तीन दोनों छः और चार कितना होता है दस होता है ना, तो यानी इसके बराबर आ गया, तो समझिएगा आपका आंसर सही है। अब देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। अब दोस्तों मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको अब हल करने आ चुका होगा, यानी कि अब मैं आपको थोड़ा सा इन दोनों से डिफरेंट सवाल नंबर तीसरा समझाता हूँ। आप इस चौथे को हल करके एक्स और वाई के मान कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे सवाल है टू एक्स प्लस वाई बराबर तीन समीकरण एक, एक है थ्री एक्स माइनस टू एक्स, सॉरी यहाँ माइनस टू वाई लिखना था मुझे, एक्स लिख लिया है मिस्टेक से, बराबर वन। तो क्या होगा, समीकरण दो हो जाएगा। अब मैंने बोला है कि सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स वाला या वाई वाला कोई भी बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे ना ही एक्स वाला बराबर है और ना ही वाई वाला बराबर है। अगर कोई भी बराबर नहीं है तो आपको किसी एक को बराबर करना है, चाहे जैसे करो आप। तो अगर आप समीकरण एक में गुणा कर देंगे दो से, क्यों, क्योंकि समीकरण दो में वाई वाला में दो दिख रहा है, अगर आप इसमें दो से गुणा कराओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ भी दो हो जाएगी। तो आप इसमें दो लाना चाहते हो तो कहने का मतलब है कि आपको समीकरण एक में दो से गुणा करना पड़ेगा। अब समीकरण एक में दो से गुणा करने का मतलब आपको इसमें 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 सबसे गुणा करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे कि समीकरण समीकरण एक में दो से गुणा करने पर, दोस्तों आप पूरा लिखिएगा, अगर आप दो से गुणा करोगे तो सब में करोगे, इसमें भी करोगे यानी कि चार एक्स, इसमें करोगे तो दो वाई, इसमें करोगे तो तीन दूना छः, और नीचे वाला सेम टू सेम लिख लेंगे क्योंकि वाई वाला भी यहाँ पे बराबर हो गई है। अब आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस पहले से ही है तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि मैंने बोला है अगर प्लस माइनस पहले से ही रहेगा तो आप लिखोगे जोड़ने पर। अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा, सेम करने का मतलब या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो आप लिखोगे घटाने पर। तो क्या होता है कि यहाँ पे अब ये प्लस माइनस कट जाएगा और चार और तीन सात हो जाएगा, क्यों, दोनों प्लस है तब, बराबर छः एक सात। अब एक्स बराबर हो जाएगा सात बट्टे सात, यानी सात एकम सात, तो एक्स का मान एक हो गया। अब जैसे ही आपको एक्स का मान मिल गया तो आप लिखोगे कि एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने। दोस्तों यहाँ पे आपको तीन ठो मिल चुका है समीकरण, एक ठो ये वाला, एक ठो ये वाला, और एक ठो जो गुणा करने मिला था ये वाला भी। तो आप एक्स का मान किसी में रख सकते हो, आपको सेम ही आएगा, ऐसा नहीं कि किसी और में गलती आ जाएगा, तो आप किसी में रख सकते हो। लेकिन आप ये देखिएगा कि किस में रखें कि आपको गुणा भाग कम करना पड़े, तो एक में आपको गुणा भाग कम करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर तीन, अब x का मान निकला है एक, यानी कि दो गुणा एक प्लस वाई बराबर तीन, दो एकम दो होगा प्लस वाई बराबर तीन, यानी y बराबर तीन माइनस दो, यानी y का मान एक। तो इस तरह से x का मान एक और y का मान भी एक निकल गया। उम्मीद करता हूँ कि अब आप यहाँ से तीनों ही सवालों को हल करना सीख गए होंगे, आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।